हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये आंटी मैंने बुलाई हैं कुछ कपड़े डोनेट करने के लिए। दो बैग थे, एक यूज्ड कपड़ों का था और एक अनयूज्ड। तो पहले तो इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अनयूज्ड वाले लूँगी, मेरे बच्चे नहीं पहनेंगे। मुझे अच्छी लगी इनकी डिग्निटी, लेकिन मैंने कहा आंटी ये मेरे काम के अभी नहीं है, तो आप किसी को दे देना, आप तो काफ़ी लोगों को जानते हैं। तो मैंने रखवा दिए थे मम्मी से कह के, ये मेरे यूज्ड कपड़े हैं, रिटायर नहीं है, सिर्फ मैंने एक दो बार ही पहने हैं, लेकिन मैं इन्हें अब नहीं पहनना चाहती। ये सत्यवती जी हैं आंटी हमारी, ये हमारी माली है, ये सब्जी उगाते बहुत अच्छी, और इनकी एक खासियत है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा रही हैं। बता रहे आंटी क्या क्या करा रहे हो, बता 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 बढ़िया। अच्छा चलो, आप आपका फेस ना दिखा रही, फेस मेरा रहेगा, आप बोलती रहो बस। कैसे क्या बोलूं, आपके बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं। हाँ, एक लड़की है, दो लड़के हैं। हाँ, दो लड़के हैं। हाँ, तो उन्हें पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। बढ़िया है। और कोचिंग भी ले रहे हैं ना? कोचिंग भी ले रहे हैं। भाई देखो, ये ऐसे लोग होने चाहिए, ये हमारे देश के अच्छे नागरिक है। बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उसके पापा को दिमाग खराब होगा जब भी मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई ना, मेंटली थोड़ी परेशानी, कम से कम 3-4 लाख रुपया लगा दिया उनमें मैंने अपने आदमी, मगर ठीक हो गया। बरेली कहाँ कहाँ मैं ढोलती रही ले जाकर उसे। जो भी शिक्षा पे हम खर्च करते हैं ना, उसको कई गुना मिलेगा आपको। जो आप बच्चों को पढ़ा रही हो ना, कई गुना करके देंगे आपको। वही तो।